स्वागत है आपका आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर, और आज हम बात करने वाले हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में। हम बात करेंगे कि ओल्ड स्कूल हार्ड ड्राइव में डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता था, और जो नया एसएसडी ड्राइव आ रहा है उसमें डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है, क्या आज के जमाने में डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन मीनिंगफुल है भी या नहीं, आज हम सारी बातें करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है क्या और कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ये पूरा आपका एक डिस्क है, एक हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पर ये सारे जो अलग अलग बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग बॉक्सेस, अलग अलग फाइल्स हैं जो कि स्टोर्ड हैं आपके डिस्क पर। ये सारे फाइल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली स्टोर्ड हैं, मतलब एक फाइल यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, ये फाइल और कहीं नहीं है। वैसे ही ये फाइल यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, ये फाइल और कहीं इस डिस्क पर नहीं है। अब देखिए होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये दो फाइल्स आपने डिलीट कर दिया, ये वाले और ये वाला। अब एक नया फाइल आना है, लेकिन उस फाइल का साइज बड़ा है, वो सिर्फ इस एक ही ब्लॉक में नहीं आ पाएगा, उसको दो टुकड़ों में बांटना होगा और दो जगहों पर स्टोर करना होगा। तो वैसे में एक फाइल क्या होता है कि कुछ पार्ट यहाँ स्टोर हो जाता है और कुछ पार्ट यहाँ स्टोर हो जाता है। तो फाइल एक ही है लेकिन वो डिस्क पर दो जगहों पर स्टोर है। अब ऐसे में इस फाइल को एक्सेस करने के लिए डिस्क को दो जगहों से एक्सेस करना होगा। अब देखिए, शुरू शुरू जब आप कोई डिस्क खरीद कर लाते हैं या फिर किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है, और उस पर जब आप कोई फाइल स्टोर करते हैं तो वो एक साथ पूरा फाइल स्टोर होता है। लेकिन धीरे धीरे आप जब उस डिस्क को यूज करने लगते हैं तो आप फाइल को डिलीट भी करते हैं, और जब आप फाइल को डिलीट करते हैं या फाइल के साइज को चेंज करते हैं तो कुछ जगह बाकी रह जाता है, और बाद में जब कोई नया फाइल ऐड होता है उस पर तो कई बार क्या होता है कि उस नए फाइल को ऐड होने के लिए कंटिन्यूअस एलोकेशन नहीं मिलता, तो उस फाइल को फ्रेगमेंट करके, मतलब तोड़ तोड़ के डिस्क पर कहीं 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 उसे स्टोर किया जाता है। और यूज बढ़ने के साथ साथ डिस्क पर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो स्पेस होते हैं वो ज़्यादा क्रिएट होने लगते हैं, मतलब डिस्क पर कंटिन्यूअस स्पेस का अमाउंट कम होने लगता है और वो फ्रेगमेंट्स में जो स्पेस होते हैं ना उनका अमाउंट बढ़ने लगता है। तो आगे से जब भी कोई फाइल आता है तो उसे फ्रेगमेंट में काट करके और उसे अलग अलग ही स्टोर करना पड़ता है। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर चेक करेगा कि एक फाइल आपके डिस्क पर कहाँ कहाँ स्टोर है, कहाँ कहाँ टुकड़ों में बांट करके उसे स्टोर किया गया है, और फिर एक फाइल के हर एक टुकड़े को पकड़ के वो उस फाइल को कंटिन्यूअस स्टोर करेगा। मतलब यहाँ पर इस केस में डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कुछ ऐसा करेगा कि इन दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ रख देगा ताकि ये फाइल कंटिग्यूअस हो जाए, और इस फाइल को एक्सेस करने के लिए डिस्क को दो बार एक्सेस ना करना पड़े। इसी प्रोसेस को डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। थ्योरेटिकली डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आपके डिस्क एक्सेस टाइम को इम्प्रूव करता है। अब देखिए, यहाँ पर इस चित्र में एक हार्ड ड्राइव को दिखाया गया है, एक पुराने हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में क्या होता है कि एक हेड होता है और वो हार्ड ड्राइव पर घूमते रहता है, और जब भी किसी ब्लॉक को एक्सेस करना होता है तो वो हेड उस ब्लॉक के ऊपर पहुंचता है और वहां से वो डेटा एक्सेस करता है। अगर आपका एक फाइल बहुत सारे ब्लॉक्स में फैला हुआ है तो इस हेड को बहुत ज्यादा मूव करना पड़ेगा और बहुत जगहों से उस फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा, तो इस तरह से आपका जो हार्ड ड्राइव है उसका लाइफ कम हो जाता है, क्योंकि आपके हेड को काफी जगहों पर मूव करना पड़ता है, और जितना ज्यादा आप मैकेनिकली अपने डिस्क को परेशान करोगे उसका लाइफ उतना ही कम होगा। फिर जो डेटा एक्सेस करने का टाइम है, जो फाइल एक्सेस करने का टाइम है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही जगह से वो हेड उस फाइल को रीड नहीं कर पाता, अलग अलग जगहों पर जाके उस फाइल को रीड करना पड़ता है, तो ये भी एक इशू है। तो इस वजह से पुराने समय में डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आपके डिस्क के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, आपके डिस्क के लाइफ टाइम को बूस्ट करने के लिए काफी जरूरी था। लेकिन आज के समय में SSD आता है। SSD में डेटा इलेक्ट्रॉनिक चिप पर स्टोर होते हैं, वहां पर कोई हेड नहीं होता, तो चाहे डेटा आपका कितना भी स्कैटर्ड वे में स्टोर हो उसे एक्सेस करने में वही टाइम लगना है, क्योंकि हेड तो मूव करना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चिप से आपको अपने डेटा को एक्सेस करना है, तो चाहे डेटा भले ही 75 जगह पर स्टोर हो लेकिन उससे कोई इशू नहीं है, डेटा को एक्सेस करने में वही टाइम लगेगा जो टाइम कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन में आपको लगता है। तो SSD को डिफ्रेगमेंट करना बिल्कुल बेकार का काम है, इससे कोई फायदा नहीं है। देखिए, SSD कुछ ऐसा ही दिखता है इंटरनली।
इसमें चिप्स होते हैं, चिप्स पर डेटा स्टोर होते हैं और यहाँ पर कोई हिट नहीं होता, कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता। इनफैक्ट एसएसडी को डिफ्रेगमेंट करके आप उसके लाइफ को घटा दोगे, क्योंकि एसएसडी के हर एक चिप पर रीड राइट करने से उस चिप का लाइफ थोड़ा सा घटता है। और डिफ्रेगमेंट जब आप करोगे तो आप बिना माने मतलब का हर एक चिप पर कुछ ना कुछ रीड राइट करोगे, आप सारे फाइल को कंटिन्यूअस करने की कोशिश करोगे। वो कंटिन्यूअस कर देने से कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्सेस टाइम वही लगना है। झूठ मूठ का हर एक चिप को आप परेशान करोगे, हर एक चिप का आप लाइफ रिड्यूस करोगे। तो एसएसडी को डिफ्रेगमेंट करना बेकार ही नहीं, पागलपन भी है। कभी भी एसएसडी को डिफ्रेगमेंट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आज के जमाने में हार्ड डिस्क ड्राइव को डिफ्रेगमेंट करना जरूरी है। देखिए, आज के जमाने में रैम काफी ज्यादा आ रहा है, 8 GB, 16 GB इस तरह का रैम आ रहा है। हालांकि ये ओल्ड स्कूल हार्ड डिस्क ड्राइव अब मार्केट से आउट होती जा रहा है, लेकिन आज के जमाने में जो हार्ड डिस्क ड्राइव आ रहा है वो काफी अच्छे बफर मेमोरीज के साथ आ रहा है। मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में अपना ही एक बफर मेमोरी होता है और जब भी कोई डेटा एक्सेस किया जाता है तो उसको डिस्क के बफर मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है, और इन फ्यूचर जब उसी डेटा का जरूरत होता है तो उसे डिस्क से एक्सेस करने के बदले बफर मेमोरी से ही एक्सेस कर लिया जाता है। तो आज के डेट का हार्ड डिस्क ड्राइव भी बफर मेमोरी के साथ आ रहा है, तो इस वजह से सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में इतने सारे बफर लगे हुए हैं, आपके रैम का साइज बढ़ चुका है, डिस्क ड्राइव में भी बफर मेमोरी आ रहा है, तो इसे भी डिफ्रेगमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं देखोगे, क्योंकि ज्यादातर डेटा आपको आपके बफर में ही मिल जाएंगे। तो इस वजह से आप मान सकते हो कि डिफ्रेगमेंटेशन एक पुरानी कहानी है, एक पुराने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुराना सॉल्यूशन, उसका आज के डेट में कोई एग्जिस्टेंस, कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि आज के डेट में जब प्रॉब्लम ही खत्म हो चुका है तो सॉल्यूशन का आप क्या करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे कि आज के डेट में डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करना यूजलेस है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT सिंप्लीफाइड इन हिंदी। धन्यवाद।